हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जैन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का मैथ प्रॉब्लम सेट 23, क्वेश्चन नंबर 3। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, 2/3 of 30। क्या करना हमें, फाइंड द पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया है उसके हमें नंबर्स का उसमें उसका पार्ट फाइंड करना है कि 2/3 पार्ट कितना होगा 30 का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ये 30। ठीक है, अब हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर से मल्टीप्लाई में दिया है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे 2 × 30 3, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, ये कितना आ जाएगा 20। तो 1/3 2/3 of 30 कितना आ जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। आए समझ में। उसी तरह हम लोग सेकेंड देखेंगे। सेकेंड भी क्या दिया है, 7/11 of 22। 7/11 of का मतलब मल्टीप्लाई 22। ठीक है, अब 7 का मल्टीप्लाई हम लोग 22 में कर लेंगे, तो 7 × 22 = 11। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे एक और काम कर सकते हो आप, कैसे पता है, अभी जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो, तो 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22। तो क्या बचेगा हमारे पास, 7 × 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 14। ऐसे भी फाइंड कर सकते, दोनों मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते, या फिर यहीं पर हम लोग डायरेक्टली यहां पर भी इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, और 7 × 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 14, है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग देख लिए, एक इस तरह से भी मल्टीप्लाई करके पूरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते। उसके बाद आएगा हमारा 3/8 of का मतलब मल्टीप्लाई और ये 64। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लाई करके देखा था, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन को लेके डिवाइड के, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64, तो क्या बचेगा, 3 बचा यहाँ पर × 8 बचा और नीचे 1, 3 × 8 = 24, ये आपका आंसर हो जाए। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते, है कि नहीं, एकदम सिंपल। सभी मेथड इसके लिए बता दे रहे क्योंकि सभी मेथड्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है। डिवीजन आपको हर जगह करना है और उसका पार्ट फाइंड आउट करना है, जैसे 3/8 of 64, है कि नहीं, 7/11 of 22, 2/3 of 30, है कि नहीं। तो उसी तरह हम लोग को बाकी का भी पूरा करना है, सिंपल। उसी के बाद क्या दिया है, 5/13 of का मतलब मल्टीप्लाई और ये 65, है कि नहीं। अब यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते, या तो आप 5 का मल्टीप्लाई पूरे 65 में कर दो, फिर 13 से डिवाइड कर दो, या फिर 13 से डायरेक्टली 65 को डिवाइड कर दो, और जो आएगा उसको उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे क्या बच जाएगा, 5 × 5, और डिनोमिनेटर में 1, और 5 × 5 = 25, अभी 1 तो डायरेक्टली 1 ही रहेगा, वैसे ही आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम सेट 23 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ में जो लेसन नंबर 5 हमारा है फ्रैक्शन, अगर इसमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे फाइंड किया हुआ, या कुछ डाउट है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ में अगर आप मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि इस तरह का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या फिर अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ में अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, और जितने लोग भी चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।